हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आकाश, वेलकम बैक टू द लर्न विद आकाश न्यूज सेक्शन। ठीक है यार, मैं आज स्वयं बहुत ज्यादा खुश हूँ यार न्यूज करने से पहले। ठीक है, जो भी यार हम सोच रहे थे कल वो आज हुआ एक्चुअली। एंड 50 स्टूडेंट ऑफ आईसीएसई एंड आईएससी सिट फॉर ऑफलाइन री असेसमेंट। तो मुझसे काफी सारे लोग सोच रहे हैं ये री असेसमेंट है क्या। ठीक है, देखो इस बार कोविड के टाइम में जितने भी लोग आईएससी एंड आईसीएसई दिए थे, ठीक है, कुछ स्टूडेंट का कोविड हो गया था ड्यूरिंग एग्जाम्स, कुछ स्टूडेंट का यार ड्यूरिंग एग्जाम्स बहुत सारे सर्जरी वगैरह जो होते यार नॉर्मल इंसान के यार जीवन में वो हुआ था। ठीक है, बट उसके कारण सीआईसी काउंसिल ने जो भी यार डिसीजन लिया कि हाँ ये लोग एग्जाम्स दे सकता है, एंड राइट नाउ दे आर गिविंग द एग्जामिनेशन, ऑल्दो ऑल दी स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर क्लोज राइट नाउ, बट स्टिल सीआईसी काउंसिल अलाउड देम टू गो एंड गिव द एग्जामिनेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छा चीज है, अच्छा कदम है जो लिया गया है भाई सीआईसी काउंसिल। मैं इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि 50 स्टूडेंट को एग्जाम देने के लिए दिया गया। नंबर टू पॉइंट क्या भैया, सेमेस्टर वन का रिजल्ट कब आएगा, इन लोगों के एग्जाम्स के बाद क्या हम लोग का रिजल्ट आएगा। देखो, जो लोग री असेसमेंट के लिए बैठा है उन लोगों का पेपर अलग था, एंड जो लोग एग्जाम्स दिए थे ऑन द मंथ ऑफ नवंबर तुम लोग का पेपर काइंड ऑफ डिफरेंट। तुम बोले भैया दो पेपर अगर डिफरेंट है तो, बट नो, लेवल इज इक्वल फॉर बोथ ऑफ देम। ठीक है, अच्छा इसके साथ मैं और एक स्किल की बात करूंगा। कुछ लोग मेरे को इंस्टाग्राम के अंदर पूछ रहे थे कि भैया विल देयर बी एनी ग्रेस मार्क्स फॉर देम। देखो यार, अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट ग्रेस मार्क्स का जिक्र सीआईसी इस बार नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ योर पेपर वॉज इन ऑफलाइन मोड एंड That was with MCQ based. यार MCQ के अंदर ग्रेस मार्क्स तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? Firstly, you have two or four options and if any one of the options is correct on that case, तुमको मार्क्स मिल रहा था, right? But on the same note, अगर तुम्हारा कोई भी options, अगर ये subjective paper होता, उधर ग्रेस मार्क्स का जिक्र हम कर सकते हैं। ग्रेस मार्क्स मान लो कि कोई एक्स्ट्रा पॉइंट जो तुम लोग इस बार एग्जाम देने वाले हो इन सेमेस्टर टू, इसके अंदर तुमको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है, बट सेमेस्टर वन के अंदर नो ग्रेस मार्क्स हैज बिन कन्फर्म्ड। ठीक है, अच्छा अभी कुछ बात ये है कि भैया सेमेस्टर टू कब होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं सेमेस्टर टू रिजल्ट डेट कन्फर्म, नो सेमेस्टर टू रिजल्ट नहीं यार, एग्जाम्स डेट कन्फर्म, सॉरी इट इज़ नॉट येट कन्फर्म। जो भी यार बोल रहा है दैट इज फेक न्यूज नंबर वन। आई एम क्लियरिंग ईच एंड एवरीथिंग एंड व्हाटएवर आई हैव अ प्रूफ कि सीआईसी काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर देखो देर इज नो सच नोटिफिकेशन दैट हैज बीन गिवन बाय काउंसिल, राइट? सो दिस इज फेक, राइट? हो गया यार हर एक चीज। अच्छा, और कुछ अगर क्वेश्चन है वो भी मेरे को पूछ सकते हो। डेट शीट्स नॉट येट कन्फर्म बाय सीआईसी काउंसिल, रिजल्ट डेट कब है? मैं बोला था 15 जनवरी माइट बी द डेट, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि शायद इसके अंदर रिजल्ट आ जाए। ओके, इसी के साथ हम न्यूज वाले वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। मेरे को कमेंट्स पे अंदर जाके बताओ कि नेक्स्ट किस टाइप ऑफ कंटेंट तुम लोग चाहते हो ऑन लर्न विद आकाश। थैंक यू।